Hello guys, good afternoon, welcome to my channel and it's a sunny day today as well. So आज सुबह सुबह कॉल था जो हमने कंप्लीट कर दिया था न्यू ओरिएंटेशन डे फॉर द स्कूल. तो बेबी के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं 26 से, विच इज ऑन टुमारो. टाइम हो रहा है 12:45 के अराउंड, लाइक नियरली लंच टाइम हो चुका है. सो आज जो स्पेशल जो व्लॉग है ये है रिलेटेड टू रेस्टोरेंट पालक पनीर. सो चलते हैं हमारे व्लॉग के साथ. एज यू कैन सी कि मैंने मेरा अवतार चेंज कर लिया और आपको थोड़ी आवाज़ गूंजती हुई नजर आएगी बिकॉज मैंने सब चीज़ें बंद की हुई हैं, सो दैट की शुड बी वेरी शांत. सो ठीक है, तो आओ चलते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या है मेरे पास. दो प्याज, एक टमाटर, दो तीखी मिर्ची, ठीक है. और ये पालक को हमने पहले ही बॉइल करके कोल्ड आइस वाटर में हमने उसको सोक करके रख दिया था. तो अभी मैं इसको क्लीन, उसका पानी निकाल दूंगा और पहले कट करते हैं ऑनियन, टमाटो और इसको. लेट्स गो. यस, ये हमारे कट चुके हैं जो जैसे हमें फाइन चॉप्स चाहिए. इट्स अभी पालक को हमें क्या करना है, पालक को मैं अभी सोक पानी में से निकाल के उसको मिक्सर में डालूंगा. एक अदरक का टुकड़ा और चार पांच लहसुन. दिव्या क्या कर रही है, ये बैठने की जगह घर में, आप इस पे बैठोगे. सो मैं अभी काट रहा हूँ लहसुन, ठीक है. और ये है मेरे पास अदरक. सो जल्दी जल्दी काटते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए. हमारी प्यूरी बन चुकी है, आपको दिखाता हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है उसके स्मेल के. अदरक और लहसुन को साथ में पालक में मिक्स करते हैं ना, तो उसके बाद जो उसका टेस्ट आएगा जो आपको बहुत सही लगेगा और उसमें फ्लेवर्स ही फ्लेवर्स होंगे. ये देखिए इतनी सॉफ्ट ब्लेंड हुई है उसको. जैसे स्कूल है ना तेरा, तेरी वाट लगेगी, तू पढ़ाई नहीं करेगी, तेको अंडा मिलेगा. अभी अभी मैंने डाला है एक चम्मच तेल और एक चम्मच घी, उसे ज्यादा नहीं, ठीक है. तो अभी तेल सड़ने से पहले हम डालते हैं जीरा और अनियन, सो दैट हम उसको थोड़ा हल्का ब्राउनिश फ्राई करते हैं. आप लोग के लिए भी है, इफ़ यू नो दैट कि अगर बाहर कोविड है या कुछ इश्यूज है, डोंट पैनिक, बी काम, बी रिलैक्स, ओके, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. जस्ट रीड एवरीवन्स पोस्ट हु आर शेयरिंग अ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा डोनर्स एंड ऑल एज वेल. उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. यू विल फाइंड द प्रॉपर डोनर, द वेरीफाइड वन, और यू कैन हेल्प एनी अदर पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ. हम एक दूसरे की ज़रूरत है टू हेल्प एंड मेक इंडिया अ कोविड फ्री. आई एम वेरी मूडी इन मेकिंग फूड्स. मैं बहुत मूडी हूँ खाना बनाने के लिए और मैं बहुत कम खाना बनाता हूँ, और जब मुझे लगता है ना बनाना चाहिए तब मैं बनाता हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट. यही बात कर सकते हैं व्लॉग में, और क्या बकवास कर सकते हैं. बकवास तो हम वैसे भी करते हैं, मैं अकेला कितना बकवास करूँगा. एवरीथिंग इज डन नाउ. मैंने फ्रेश क्रीम में डाल दिया, सारे मसालेस भी डाल दिए हैं. टेस्ट क्या भूलूँ मैं आपको यार, पालक पनीर के बारे में मेरा इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है. मगर वो मैं बनाता हूँ तो ही मेरे को अच्छा लगता है, और मैं ज़्यादातर बाहर भी इतना पालक पनीर नहीं खाता. आई मोस्टली प्रीफर होम मेड. टीवी में कुछ है नहीं, मेरे पास है नहीं कुछ करने को, सो मैं लैपटॉप पर बैठूँगा थोड़े टाइम में. टाइम आई वॉन्ट टू प्रूव दैट आई कैन बी अ बेटर. So it's not a dream, but it's like, yes, I want to do something in YouTube. It's nothing about fame और ये सारी चीज़ें बहुत दूर की बात है. मैं तो उसको दिमाग में ला भी नहीं रहा. मैं तो यही सोच रहा हूँ कि डैड कि मेरे को एक अच्छा कंटेंट बनाना, अगर मैं बना सकूँ और एक अच्छा व्लॉगर बन सकूँ घर, साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देता रहूँगा, साथ साथ हम मस्ती भी करते रहेंगे. और ज़्यादातर काम ही होता है घर पर बैठे, और कुछ होता नहीं है. बच्चों के साथ मस्ती होती है, उनको अगर कुछ गलत करते तो वो मेरे से सुन लेते हैं एज यूजल एज अ पेरेंट. सो पता नहीं,
कैसे जाएगा दिन? ये इट्स गॉट रेडी फाइनली. No. Hey guys, thank you for watching this vlog. और ये एक छोटा सा vlog था जो पालक पनीर का, जो मैंने मेरे मूड के हिसाब से बनाया था, जबकि मैं कुक ज़्यादा नहीं करता हूँ, बहुत रेयरली कुक करता हूँ. सो अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें और चाहिए फन के साथ, मस्ती के साथ, तो अगर जो लोग न्यू हैं ये चैनल पे, जाइए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट आपको मेरी लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी. स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय. Divija is sleeping, so bye Divija.